हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारे भोलेनाथ का दिन, यानी आज महाशिवरात्रि है। तो हमने सोचा चलो महादेव के दर्शन भी कराते हैं, और हम सब निकल चुके हैं महादेव के पास जाने के लिए। और ये हम सब लोग साथ में निकल चुके हैं, और जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ का लोकेशन आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। हम बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, और हमारे साथ हमारा बुग्गू भी आया है, क्योंकि हम इसे अकेला नहीं छोड़ पाते हैं। ये अकेले बहुत परेशान हो जाता है, तो हम कहीं भी जाते हैं इसे साथ लेके जाते हैं। एक्चुअली हमें निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 2.5 से 3 घंटे हो चुके थे। तो फिर थोड़ा सा हम सोचे कि रास्ते में रुक के थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिया तो जाए। वहाँ से खा पी के निकल चुके थे, और इधर देखो इनका बुरा बात चालू है। हम मस्ती मजे करते हुए जा रहे थे, हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी, और उसके बाद फिर हम पैदल ही वॉक करते हुए जा रहे थे। हमें मज़ा आ रहा था, और ये देखो हमारा बुग्गू, हमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए देखा नहीं, तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया था, एकदम बिल्कुल ही बाग किए जा रहा था। अब देखो इसके पास हम आ गए, ये कितना ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत खुश हो तो गया हम था। मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन पहले ये दोनों का शीशा देखना तो ख़त्म हो जाए। ये दोनों तो अपने आप को ही देख के परेशान है कि कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और इस मंदिर का नाम है श्री रेणुकेश्वर महादेव मंदिर। और ये मंदिर सोनभद्र की एक जगह है, रेणुकूट, तो वहाँ पर है ये मंदिर। और हमें यहाँ आने में काफ़ी टाइम भी लग गया, और बट हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं। और ये मम्मी और आंटी हमारा खड़े होकर वेट कर रही थी, क्योंकि ये लोग नहीं गए थे, सिर्फ हम लोग ही बाहर गए हुए थे। तो अब हम फाइनली मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और आप देख सकते हो लोकेशन कितना प्यारा है मंदिर का। मतलब काफ़ी अच्छी वाली, गुड वाली वाइब आ रही थी, पॉजिटिव वाइब बिल्कुल आ रही थी यहाँ अंदर। अब हम चल रहे हैं, सबसे पहले महादेव के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम इसीलिए यहाँ आए हैं। बाकी तो हम लोकेशन वगैरह बाद में भी कवर कर लेंगे। एक्चुअली हमारा तो कोई पहले से प्लान भी नहीं था यहाँ आने का, बट कहा गया है ना कि जब भगवान बुलाते हैं तो फिर इंसान को जाना ही पड़ता है, और वो तभी जा पाता है जब उसका बुलावा आता है। तो हमारा बुलावा आ गया था, और हम मंदिर में आ गए थे। अदरवाइज़ तो इतनी दूर हम कहाँ आते दर्शन करने, घर के आसपास ही कर और लेते। अब बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और हैं, फिर हम भगवान जी के पास अपने पहुँच और ये जाएंगे। देखो सबसे पहले सामने नंदी जी दिख रहे हैं। नंदी जी शिव जी के सबसे प्रिय भक्त थे, और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी भक्त अगर तुम्हारे कानों में अपनी इच्छा कहेगा तो वो डायरेक्टली मुझ तक पहुँचेगी। तो चलो अब नंदी जी के सामने से दर्शन कर लेते हैं। और ये देखो कितनी प्यारी मूर्ति बनाई गई है, जय हो नंदी भगवान की। तो ये देखो, ये सामने शिव जी की मंदिर बनी हुई है। शिव जी की मंदिर में हम अंदर से भोलेनाथ की कोई भी फ़ोटो वीडियो नहीं ले पाए, क्योंकि वो अलाउड नहीं था, इसलिए हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। और ये देखो बाहर का लोकेशन भी कितना अच्छा है, यहाँ पे आप ना आके पूरा दिन स्पेंड कर लो, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमने दर्शन भी कर लिया, और अब हम थोड़ी देर बाहर भी बैठेंगे, क्योंकि बाहर का व्यू इतना अच्छा था ना कि जाने की इच्छा नहीं हो रही थी यहाँ से। दर्शन तो हम कर चुके थे, तो इसलिए अब हम बाहर थोड़ी देर घूमे, क्योंकि बाहर का लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये यहाँ पर हमने काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी काफ़ी सारी शूट की, और काफ़ी टाइम हो गया हमको यहाँ रुके हुए। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम एक मंदिर और जाने वाले हैं। वहाँ पहुँच के हम आपको वहाँ का भी दिखाते हैं कि वो मंदिर कौन सी है, वो भी काफ़ी प्यारी मंदिर है। और ये हम दूसरी मंदिर पे आ चुके हैं। ये मंदिर सोनभद्र में ही एक जगह है डाला नाम से, जहाँ पे ये माँ वैष्णो जी की मंदिर है। ये मंदिर काफ़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है, और बहुत पुरानी भी मंदिर है ये। तो अभी बाहर से व्यू देखिए मंदिर का कितना प्यारा लग रहा है। अभी हम अंदर भी चलेंगे, और यहाँ एक गुफा भी है बहुत बड़ी सी, उस गुफा के अंदर भी आपको ले चलेंगे। जोर से बोलो जय माता दी, नारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आगे वाले पीछे वाले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गुरु देवती रामचंद्र की जय, जय हनुमान की जय। मत लगा देना तो आप देख रहे हो ये गुफा कितनी बड़ी है। हालांकि यहाँ वीडियो अलाउड नहीं था, बट फिर भी हमने बना लिया, और बाकी मंदिर का कोई और पार्ट हम कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं था। अब हम फाइनली बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे थोड़े नारियल वगैरह भगवान जी को चढ़ाए गए। तो आज भोलेनाथ की भी दर्शन हो गए, और माता वैष्णो रानी के भी दर्शन हो गए। बिल्कुल खुशी मिल रही है अंदर से, बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल, बाय।